क्या हुआ, सोए नहीं थे क्या रात में? अरे क्या बताएं दोस्त, पड़ोसी का कुत्ता भौंकता रहता है, फटफटी का आवाज आता रहता है। अरे सोए तो आदमी सोए कैसे? दोस्तों क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी होता है? आप सोने तो जाते हो टाइम पे, पर आसपास के नॉइजेस के कारण आपको नींद नहीं आ पाती। या आप बिस्तर पे लेटे लेटे ही आपके दिमाग में कुछ रैंडम थॉट्स चलने लगते हैं जिसके कारण आप सो नहीं पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम से निजात पाने का एक सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, कंघी वंघी करके आया है, ठीक है चलो देख लेते हैं इसका वीडियो। तो फिर क्या बने रहिए इस वीडियो में। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा मैं आपको ईयरबड्स लगाने की नसीहत देने वाला हूं? ईयरबड्स कुछ हद तक एक्सटर्नल नॉइजेस को रोक सकती है, पर क्या ईयरबड्स से आपको मन का सुकून और रिलैक्सेशन मिल सकता है जो सोने के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है? मुझे नहीं लगता दोस्तों ईयरबड आपको ये सेंस ऑफ रिलैक्सेशन दे सकता है। और दूसरी बात ये कि ईयरबड पहनने से आपके कानों में इंफेक्शन आने का खतरा भी बढ़ सकता है। दोस्तों मैं जो आपको आज एक सोल्यूशन देने वाला हूं ये आपको चौंका सकता है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, ये सोल्यूशन है व्हाइट नॉइज। जी हाँ, व्हाइट नॉइज, जिसको आप श्वेत शोर भी कह सकते हैं, सफेद शोर। सो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि ये व्हाइट नॉइज है क्या और ये सुनाई कैसे देता है। दोस्तों व्हाइट नॉइज एक ऐसी ध्वनि है जिसमें ह्यूमन ईयर्स द्वारा सुने गए सारे फ्रीक्वेंसीज, हम सबको मालूम है कि ह्यूमन ईयर सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुने जाने वाले सारे फ्रीक्वेंसीज को इक्वल इंटेंसिटी या यू कह लें इक्वल एम्पलीट्यूड में अगर आप मिक्स करें तो बनता है दोस्तों व्हाइट नॉइस। तो आइए पहले इस नॉइस को सुन लेते हैं। दोस्तों क्या ये आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? हमारे एसी से ऑलमोस्ट ऐसी ही आवाज निकलती है, या यूं कह लें कि अगर कोई तेज टेबल फैन चलाए तो ऐसी ही आवाज आती है। यहां तक कि समुद्र की लहरें जब हाई और लो टाइड्स में जाती हैं तो हमें कुछ ऐसा ही सुनाई देता है। अब दोस्तों समझते हैं कि ये व्हाइट नॉइज हमारी सोने में कैसे मदद करता है। दोस्तों हमारे ब्रेन में एक स्पेशल तरह के न्यूरॉन होते हैं जिसे हम नोवेल्टी डिटेक्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इसके हर वीडियो में ब्रेन आ जाता है पता नहीं कहां से। जी हाँ, नोवेल्टी डिटेक्टर न्यूरॉन्स। नोवेल्टी डिटेक्टर न्यूरॉन्स किसी भी आसपास के माहौल के सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को डिटेक्ट करते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं ताकि ब्रेन इस बात का फैसला कर सके कि ये साउंड हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा तो नहीं है। सो ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, जिसको हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं, या जो कह लें कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों एक तरह के गेटकीपर का काम करता है नोवेल्टी डिटेक्टर न्यूरॉन्स। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये काम के ही साउंड इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है और जो साउंड इंफॉर्मेशन अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। तो दोस्तों ये व्हाइट नॉइज एक तरह का अनइम्पॉर्टेंट साउंड ही होता है हमारे बॉडी के लिए, जिसे हमारे नोवेल्टी डिटेक्टर न्यूरॉन्स इग्नोर कर देते हैं। तो जब आप इस व्हाइट नॉइज को अपने शयन कक्ष में चलाते हैं, शयन कक्ष में चलाते हैं, तो ये आसपास के नॉइजेस जैसे कि कुत्ते का भौंकना, किसी नेबर्स का जोर जोर से बात करना, या किसी तेज गाड़ी की आवाज या हॉर्न को मास्क कर लेता है, ये उसे छुपा लेता है, उन्हें ढक लेता है।
और ब्रेन इन्हें अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझकर प्रोसेस नहीं करता, जिसके कारण से हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती और हम रिलैक्स फील करते हैं, और इसी के साथ हमारा नींद जो है वो टूटता नहीं है, हम सोए रहते हैं या हमें सोने में ये मदद भी करता है। तो आसान भाषा में कहा जाए तो हमारा ब्रेन इसे मोनोटोनस, प्रेडिक्टेबल और बोरिंग इंफॉर्मेशन समझ के प्रोसेस नहीं करता और बेवजह हमारे ब्रेन को अलर्ट पोजीशन में जाने से रोकता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स और काम रह सकें, जो कि दोस्तों सोने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अरे अब मुझे लगने लगा कि कुछ ऐसा ही शायद स्कूल के बोरिंग लेक्चर में भी होता होगा, क्या लगता है ऐसे ही होता है क्या? अब दोस्तों सवाल आता है कि ये व्हाइट नॉइज मिलेगा कहां पे? दोस्तों व्हाइट नॉइज के कई शोध हैं, इनके मशीन्स भी आते हैं जो आपको आसानी से किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, और उससे भी आसान व्हाइट नॉइज के एप्स भी अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के स्टोर से इन एप्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनली इसका वीडियो खत्म हुआ, चलो अब ऊपर जाने का समय आ गया है। बाय बाय टाटा। अरे रुको 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 रुको, इतनी जल्दी क्या है जाने की? जाने से पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना जनहित में जारी। जितना शॉर्ट टर्म एक्सपोजर इस व्हाइट नॉइज का आपके इनिशियल स्लीप साइकिल में बेनिफिशियल होता है दोस्तों, उतना ही घातक होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दिस व्हाइट नॉइज। जी हाँ, लंबे समय तक इन व्हाइट नॉइज के संपर्क में आने से बचे। तो अगर आप लंबे समय तक व्हाइट नॉइज से एक्सपोज रहेंगे तो आगे चल के आपको हेयरिंग इश्यूज आ सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक यह कि आपको इसकी आदत लग सकती है। मतलब यह कि अगर आपके पास व्हाइट नॉइज जनरेटिंग मशीन ना हो तो आपको नींद आएगी ही नहीं। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मशीन्स के चक्कर में ना पड़े, आपका जो टेबल फैन है या आपका सीलिंग फैन है वही इतना सफिशिएंट व्हाइट नॉइज जनरेट कर सकता है जो आपके आसपास के सराउंडिंग नॉइजेस को मास्क कर सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार। अमिताभ बच्चन नमस्कार। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि मैं कई ऐसे काम करता हूं जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता।